अध्याय 11 पर्यावरण धारिय विकास के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें अब आप लोग देखेंगे कि प्रश्न उत्तर। सबसे पहले है पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, पर्यावरण क्या है। तो आप लोग ने 9th-10th में भी पढ़ा होगा कि पर्यावरण क्या है, जो बाहरी आवरण से घिरा हुआ जो है वह पर्यावरण कहलाता है, जिसको कि हम परिधान आवरण भी कहते हैं। फिर देखेंगे पर्यावरण के समस्त भूमंडलीय विरासत और संसाधनों की जो समग्रता के रूप में जो हमें परिभाषित किया जाता है, उसमें सभी जैविक और अजैविक तत्व आते हैं, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि फिर जैसे कि निम्न नवीकरण और गैर नवीकरण संसाधनों की वर्गीकृत कीजिए। तो क्या क्या है, दूध है, मछली है, पेट्रोलियम है, कोयला है, लौह अयस्क है, जल है, ये जो दिए हुए हैं है ना, जो पर्यावरण के तत्व जो दिए हुए हैं उनको हम किस तरह से देखेंगे। अब यहाँ पे आजकल विश्व के सामने और विश्व की दो मुख्य पर्यावरणीय समस्याएं बताइए, तो क्या है ये देखिए आप लोग। वैश्विक और अवैश्विक वाले जो तत्व पाए जाते हैं वह कहलाते हैं, क्या है, वैश्विक उष्णता और ओजोन। जिस तरह से आप लोग देखते हैं कि ओजोन परत क्या है, ओजोन में छिद्र हो जाने के कारण भी पर्यावरण में उसे प्रभावित करता है, वही चीजें हैं। फिर देखेंगे निम्न कारण जो भारत में कैसे पर्यावरण संकट में योगदान करते हैं। तो सबसे पहले सरकार के समक्ष कौन कौन सी समस्याएं जो है जो पर्यावरण को संकट में योगदान करते हैं, कौन कौन सी समस्याएं पैदा करते हैं, इसमें देखेंगे वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, फिर जो निरक्षरता है, फिर औद्योगिकरण है, शहरीकरण है, फिर अभ्यासिकी भी वन क्षेत्र में भी कमी है, इस तरह से जो वनों की कटाई हो रही, ये सारी चीजें जो है क्या है हमारे पर्यावरण को संकट में डालने में योगदान देते हैं। अब देखेंगे इसमें देखेंगे कि जो बढ़ती जनसंख्या है, सबसे पहले हम देखेंगे बढ़ती जनसंख्या, जैसे आप लोग देख रहे हैं जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, हमारे जो कृषि उपज वाली जो जगह है या दूसरी जगह है वह भी कम होती चली जा रही है, क्योंकि लोग वहां पर रहवासी इलाका या फिर मकान बनाते चले जा रहे हैं, इस तरह से कृषि वाला क्षेत्र है वह भी कम होता चला जा रहा है। अब देखेंगे वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण कैसे होता है ये भी हमने आप लोगों को बता चुके हैं कि जो धुआं है, जो तत्व निकलते हैं, ओजोन किरणें निकलती हैं, तत्व निकल धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, तो उससे क्या होता है पूरा वायु प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण, जल प्रदूषण भी जिस तरह से फैक्ट्रियों से निकला हुआ खराब पदार्थ, पानी खराब वाला पानी, ये सारी चीजों से जल भी प्रदूषित होता है, और यदि हम रासायनिक तत्व यूज करते हैं तो वह भी जल में जाके मिलता है, इससे जल प्रदूषण होता है। फिर हम देखेंगे संयंत्र उपभोग मानक। अब ये क्या है संयंत्र उपभोग मानक, मतलब जो हम बड़ी बड़ी मशीनरी जो उपयोग करते हैं जो प्राकृतिक संसाधनों की पूर्ति स्थिति के लिए, तो उससे भी हमारा जो वातावरण है वह प्रदूषित होता है। फिर देखेंगे निरक्षरता, निरक्षरता मतलब ये है कि मतलब जिस कुछ चीज के बारे में हम अनभिज्ञ हैं, मतलब उसके बारे में हम कुछ नहीं जान रहे, उसके कारण भी ये पर्यावरण प्रदूषण होने में एक संकट का कारण बनता है। फिर औद्योगिकरण, औद्योगिकरण यदि हो रहा है तो उसमें भी जितने ज्यादा उद्योग बनेंगे उससे भी प्रदूषण उतना ही होगा, क्योंकि वायु प्रदूषण भी होगा, ध्वनि प्रदूषण भी होगा, जल प्रदूषण भी होगा, रासायनिक प्रदूषण भी होगा, इस तरह से होगा। फिर उसके बाद देखेंगे शहरीकरण, अब ये होगा कि शहरीकरण से वातावरण कैसे प्रदूषित होता है, तो शहरीकरण से क्योंकि उसके अपशिष्ट पदार्थ भी हम नालियों में, नाली से फिर वह नदी में मिलता है, फिर उसे अपशिष्ट पदार्थ जब सड़ता गलता है तो वह वातावरण में मिलता है, इससे शहरीकरण के कारण भी वातावरण जो है वह प्रदूषित होता है। फिर देखिए वन क्षेत्र में कमी, वन क्षेत्र में कमी जिस तरह से होता है कि हम यदि उसे खेती के लिए यदि उस जगह को के लिए काटेंगे तो भी वन का कटाई होगी, और यदि रहने के लिए हम जगह चाहिए तो भी वन की कटाई होगी, इस तरह से वन क्षेत्र में भी कमी होती जा रही है। फिर अवैध वन कटाई, अवैध वन कटाई जो हो रहा है कि यदि हमें थोड़ा सा काटना है लेकिन उसके आड़ में क्या होता है, एक पेड़ काटना है तो दो की जगह हम पांच काट लेते हैं, इससे भी अधिक कटाई के कारण भी होता है। फिर वैश्विकता उत्पाद, जिस वैश्विक इसमें तापमान जो बढ़ रहा है उसके कारण भी होता है। फिर पर्यावरण के क्या कार्य होते हैं, पर्यावरण के जो कार्य होते हैं वे क्या क्या कार्य हैं, तो सबसे पहले है जीवन के लिए जो हमें क्या चाहिए, जीवन के लिए पर्यावरण की बहुत आवश्यकता होती है, यदि पर्यावरण नहीं होगा वह प्रदूषित होगा तो हम उसके बिना जीवित नहीं रह सकते। फिर उसके बाद है भूक्षय के उत्तरदायी कारण, अब भूक्षय कैसे होता है,
अधिक वन जो है, अधिक वन काटने से घास है वह उखड़ेगा, पेड़ है, भूमि है, ऐसे मिट्टी के बहाव के कारण भी भूमि जो है भूक्षय होता है। मतलब भूक्षय का कारण यह है कि जैसे मृदा का हटना या वहां से उपजाऊ भूमि के परत का हटना यह भूक्षय कहलाता है। फिर इसमें हम देखेंगे कि समझाइए कि सकारात्मक तो पर्यावरण के प्रभावों के जो अवसर जो है वह क्या क्या है और किस तरह से यह उच्च होते जा रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले जो है हम वातावरण को और पर्यावरण को हम जब तक संरक्षित नहीं करेंगे तो हम पर्यावरण के प्रभाव से भी हम प्रभावित होते हैं। जिस तरह से वर्तमान में आप देखते होंगे कि क्या होता है, जैसे उत्तराखंड वगैरह में मृदा जो भूस्खलन हो रहा है वह क्यों हो रहा है, क्योंकि हम पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और तलहटी की मिट्टी हटाते जा रहे हैं, तो वह वहां की जमीन जो है वह फिर पूरा ऊपर का मिट्टी जो है वह बहकर नीचे आ जाता है और बादलों के अचानक फटने का कारण भी वही होता है। फिर हमें कि भारत में जो धारणीय विकास जो है उसकी प्राप्ति के लिए उपयुक्त उपाय कौन कौन से हैं, इसमें देखेंगे ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत। ऊर्जा के जो गैर पारंपरिक स्रोत हैं वह क्या है, गैर धारणीय विकास के कारण बनते हैं। फिर उसमें देखेंगे अधिक स्वच्छ ईंधनों का उपयोग करना चाहिए, लघु जलीय प्लांटों की स्थापना करनी चाहिए, पारंपरिक ज्ञान से बाहर निकल व्यवहार से हमको हट कर कार्य करना चाहिए, फिर जैविक कंपोस्ट खाद का भी हमें उपयोग करना चाहिए। इस तरह से धारणीय उपयोग भी बढ़ता है। फिर देखिए भारत में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। अब भारत में प्राकृतिक संसाधन वाकई में बहुत है, प्रचुर मात्रा में है, उसे हमें किस तरह से उपयोग करना है वह हमारे ऊपर है। इसलिए जो प्रचुर मात्रा में हमारे पास जो प्राकृतिक संसाधन है उसका हमें उतना ही प्रयोग करना चाहिए और सही ढंग से प्रयोग करना चाहिए, तभी हम ये प्रचुर मात्रा जो संसाधन है उसको हम कम से कम नष्ट करते हुए उसका अधिक से अधिक हम उपयोग कर सकते हैं। फिर क्या पर्यावरण संकट एक नवीन परिशिष्टता अभियान है, यदि हाँ तो क्यों, यदि पर्यावरण संकट एक नवीन घटना है, स्वाभाविक है ये है, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा होगा कि हमें सिलेंडर लेकर चलना पड़ेगा, पर्यावरण जो प्रदूषित होगा, इसलिए उसके लिए हमें सबसे अधिक क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण अधिक से अधिक करना चाहिए। फिर इसके इनके दो उदाहरण दे दी, जैसे कि पर्यावरण संसाधनों का अति प्रयोग और पर्यावरण संसाधनों का दुरुपयोग। मतलब जो संसाधन है उसका हम सबसे ज्यादा उपयोग क्या करते हैं और जिसका है दुरुपयोग क्या होता है। तो अति प्रयोग में जैसे कि लोग जो क्या है, कुत्ते के भोजन, सौंदर्य प्रसाधन, अत्यधिक बिजली के उपकरण, ये जो परिवार के जो सदस्य हैं ये हम क्या करते हैं, अधिक से अधिक इसके अधिक संख्या में खरीद लेते हैं और अधिक हम इसका उपयोग करते हैं। फिर दुरुपयोग क्या है, जैसे कि ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाना, प्राकृतिक खाद के स्थान पर हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, तो इस तरह से क्या होता है, इससे पर्यावरण को उससे नुकसान होता है। तो देखिए पर्यावरण के चार मुख्य क्रियाओं का वर्णन कीजिए जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों की व्याख्या कीजिए। इसमें क्या है, महत्वपूर्ण कारण क्या है, जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, वनों की कटाई के कारण है, भूक्षय है, ये हमको हमने आपको पिछले प्रश्न में ये हम आपको समझा चुके हैं। फिर पर्यावरणीय संसाधनों की पूर्ति मांग के जो उपक्रम है तो उसकी व्याख्या कीजिए। ये मांग स्वाभाविक है, ये सारी चीजें जो विकासशील जो देश हैं या फिर बढ़ती जनसंख्या के कारण है, विकसित जो देश हैं उनमें उपभोग और उत्पादन स्तर दोनों ही बढ़ रहे हैं। फिर नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय जो ऊर्जा के स्रोत हैं उन पर भी गहन और व्यापक निकासी, मतलब ये जो चीजें हैं हम उसका सबसे ज्यादा उपयोग करते जाए, नवीकरण जो हमारे पास संसाधन है वो है और गैर नवीकरणीय संसाधन है, उन दोनों का ही हम बहुत ही ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। फिर भारत के विकास में गंभीर नकारात्मक पर्यावरण प्रभावों के उपकरण क्या हैं या उजागर करें, जिससे कि मतलब क्या है इसे दो गंभीर नकारात्मक पर्यावरण जो प्रभावों को हम उजागर करेंगे। सबसे पहले क्या है, यह हम यही कहना चाहेंगे कि पर्यावरण समस्याओं के एक विरोधाभास है, क्योंकि यहाँ पर निर्धनता जो है वह बहुत अधिक है और निर्यात क्षेत्र में भोजन को पकाने के लिए भी हमें LPG खरीदने सक्षम नहीं है, तो वही क्या करेगा, वह जंगल जाएगा, वहां से पेड़ काट के लाएगा और लकड़ी ही जलाएगा, मतलब तो जलाऊ लकड़ी लाकर ही जलाएंगे। इस तरह से परिणाम स्वरूप हम पर्यावरण को क्या करते जा रहे हैं, दूषित करते जा रहे हैं। फिर धारणीय
का विज्ञान का मतलब धारणी विकास क्या है। धारणी विकास वह है जिसमें हम देखेंगे कि जिसमें बुलेट रिपोर्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है, ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति क्षमता में समझौता किए बिना पूरा करें। मतलब जो भी हमारे पास पर्यावरण से संबंधित संसाधन है उसको हम क्या करें, जो अभी हमारे पास संसाधन है तो हम क्या करें, वर्तमान में उस पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भावी पीढ़ी जो है उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना ही यह किए बिना, मतलब जो भी हमारे पास है संसाधन उसको बिना समझौता के उसको पूरा करना। फिर इस परिभाषा की आवश्यकताओं की आवश्यकता के यह भी संबंध संसाधनों के विपणन को भी मुख्य रूप से यह क्या करता है, से बताता है कि संसाधन जो है विश्व में गरीब वर्ग को और समान रूप से मिलना चाहिए। और भावी पीढ़ी से तात्पर्य है कि जो आगामी पीढ़ी है उसको बेहतर पर्यावरण उत्तराधिकार के रूप में हमको उनको सौंपना भी है। मतलब जिस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यदि वृक्षारोपण करेंगे तो उसमें क्या होगा, एक वृक्ष यदि हम काट रहे हैं तो उसके बदले में कम से कम 5 वृक्ष लगाएंगे, 5 लगाएंगे तो कम से कम 3 वृक्ष तो जीवित रह ही सकते हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, भावी पीढ़ी को भी हम संसाधन को दे और बचा कर दे सकते हैं। फिर है अपने आसपास के क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए धारणी विकास की बारे में जो रणनीतियां हैं किस तरह से हम बना सकते हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे है कि हम देखेंगे जलाऊ लकड़ी है, उपलों और जो अन्य जैव पदार्थ जो है उसको रसोई में हम किस तरह से गैस और गोबर गैस के रूप में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जंगलों की कटाई कम हो जाएगी, गोबर गैस से क्या होगा, लाइट भी जला लेंगे और खाना भी आराम से बना लेंगे। उसी तरह से देखेंगे कि खुला स्थान जो है, सूखा स्थान है, खुला स्थान है, गाँव में वायु के लिए जो भी साधन है वह आसानी से हमें मिल जाते हैं। गाँव गाँव में क्या होता है, एकदम खुली वातावरण मिलने के कारण शुद्ध वायु भी हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है। फिर रासायनिक कीटनाशकों के स्थान पर हम जैविक कीटनाशकों का प्रयोग कर सकते हैं, इस तरह से हम पर्यावरण को खत्म होने से बचा सकते हैं। फिर धारणीय विकास की परिभाषा में वर्तमान और भावी पीढ़ियों के बीच जो है हम किस तरह से विचार की व्याख्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे हम यह बहुत से जो है ग्रामीण विकास की जो परिभाषा है वर्तमान में जो भावी पीढ़ियों के बीच जो समता के रूप में विचार की व्याख्या करेंगे। इससे क्या होगा कि जो भी बीच में है उसको हम किसी भी स्थिति में हम उसको भावी पीढ़ी को आसानी से हम पर्यावरण को संरक्षित करके उसको हम भेज सकते हैं।